हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। रेनन मार्टिन इस बुक का यूनिट 10 का चैप्टर नंबर 41। इसके पहले हम चैप्टर 40 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उन्हें जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 41। इसके पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। और वीडियो जरा भी यूजफुल हुआ या थोड़ा भी पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा, और वीडियो में कमेंट और लाइक भी जरूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 41, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। आपको अभी ये पता चलता है कि इंटरोगेटिव, ये जो वर्ड है इंटरोगेटिव, उस वर्ड से हमको क्या मालूम पड़ता है कि मतलब ये क्या होगा, क्वेश्चन से रिलेटेड एडवर्ब्स होंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड इज यूज्ड फॉर क्वेश्चंस। ओके, हम पहले भी ग्रामर में बहुत बार देख चुके हैं। सो वर्ड्स यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस पूछने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स पूछते हैं, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ये सब क्या है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, बट ये क्या है, हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब देखो यहाँ पर आप रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। व्हेन डिड यू कम, अब व्हेन हमने पूछा क्वेश्चन के लिए कि तुम कब आई। वेयर इज अब्दुल, अब्दुल कहाँ है। हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया। व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुई। तो आपको पता है ये व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये जो वर्ड्स है ये हमने क्यों यूज किए हैं, हमने इन वर्ड्स को इसलिए यहाँ पर यूज किए हैं ताकि हम हमारे जो क्वेश्चंस है वो फॉर्म कर सके। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई आर एडवर्ब्स विच आर यूज इन आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये जो एडवर्ब्स है वो क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए हैं। दे आर देयर फॉर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। तो इसके लिए इनको क्या बोलते हैं हम, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। आई होप इट्स क्लियर बच्चों, बहुत इजी है। सिर्फ जो भी क्वेश्चन वर्ड्स है वो हमारे क्या होते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर एक्सरसाइज, जो इसमें इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। फिल इन ईच ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट इंटरोगेटिव एडवर्ब। सो फर्स्ट, डैश इज माई क्रिकेट बैट। अब क्या पूछेंगे, मेरा क्रिकेट बैट किधर है, तो वेयर इज माई क्रिकेट बैट। डैश इज योर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कब है, सो व्हेन इज योर एग्जामिनेशन। डैश डिड यू कट द स्ट्रिंग, सो क्यों कट की स्ट्रिंग को। व्हाई डिड यू कट द स्ट्रिंग। डैश आर यू सो लेजी, तुम इतने लेजी क्यों हो। व्हाई आर यू सो लेजी। डैश मच मनी हैव यू गॉट, सो कितना मनी तुमको मिला, हाउ मच मनी हैव यू गॉट। डैश डज दिस ट्रेन गो, वेयर डज दिस ट्रेन गो, या व्हेन डज दिस ट्रेन गो। नेक्स्ट, व्हेन डिड यू गेट अप दिस मॉर्निंग, व्हेन। डैश मैनी बुक्स हैव यू गॉट, हाउ मैनी बुक्स, कितनी बुक्स। डैश डिड यू नॉट कॉल मी, वाई डिड यू नॉट कॉल मी। डैश विल रमा रिटर्न, व्हेन विल रमा रिटर्न। डैश डज द सनसेट, वेयर डज द सनसेट, व्हेन डज द सनसेट। तो आप इसमें दोनों यूज कर सकते हो, वेयर और व्हेन। डैश हैव यू पुट माय वॉच,
मेरी वॉच कहाँ रखी? सो वेयर हैव यू पुट माई वॉच? नेक्स्ट डैश डू यू डू, हाउ डू यू डू? डैश आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? डैश विल यू सी हिम, डैश विल यू सी हिम? तो व्हेन विल यू सी हिम? डैश डिड यू रीड दैट, वेयर डिड यू रीड दैट? डैश वुड यू लाइक इट, वेयर वुड यू लाइक इट? डैश डिड यू डू इट, वेन डिड यू डू इट? डैश डिड ही रिटर्न, वेन डिड ही रिटर्न? डैश डिड यू बाय दिस बॉल, वेन डिड यू बाय दिस बॉल? डैश विल द ट्रेन स्टार्ट, वेन विल द ट्रेन स्टार्ट? Dash did you not go to school? Why did you not go to school? Dash did you lose your purse? How did you lose your purse? Dash was it done? Why was it done? Dash do you say so? So why do you say so? Why do you say so? How do you say so? आप how से भी question form कर सकते हो. Dash do you tell such stories? Why do you tell such stories? Dash did you not come sooner? Why did you not come sooner? Next, compare your answer with another students and if the answer do not match, then discuss which answers are correct. Interact with another pair if necessary. Okay? तो ये तो आपकी activity है जो आप अपने school में अपने आप कर सकते हो. So with this we have finished our chapter 241, जो कि बहुत छोटा सा chapter था, interrogative of adverbs. अब हम मिलेंगे next video में chapter 42, comparison of adverbs के साथ. तब तक take care and keep watching Vandana's tutorial. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए. सो थैंक यू.